मैं सो रही है, मैं ऐसे नहीं उठने वाली, मुझे खुद जाके उठाना पड़ेगा यार। उठाने के चक्कर में बुआ ना उठ जाए। कुछ लिखा भी है, अंग्रेजी में लिखा। चलो ठीक है, सुबह अखिल से पूछूंगी। जो हमें हमारी चैरिटी आते हैं ना हर साल, वो इस साल भी जाने चाहिए, हैं ध्यान रखना ठीक है? पापा वो तो अनमोल के नाम से दिया करते थे अब हमेशा, और अब देखिए ना अनमोल की शादी भी हो गई है। अब अनमोल की शादी हो गई है, वो अपना ससुराल रहती है, फिर भी वो ओल्ड एज होम को चैरिटी तो देनी है, और भी अनमोल के नाम से। हां ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पापा, मैं अभी 10:30 बजे के आसपास वहां से निकलूंगा, होपफुली तब तक ऑफिस भी खुल जाएगा, तो मैं करा दूंगा। ठीक है, वेरी गुड। माला जी, जो ओल्ड एज होम की चैरिटी के पैसे हैं वो प्रताप को दे देना, ठीक है? जी बस दूंगा। ताऊ जी, आपके पास किसी फोटोग्राफर का नंबर है? मुझे कुछ फोटोज को पोस्टर्स में कन्वर्ट करना था,
हाँ हाँ एक है मेरे पास, मैं नंबर लाता हूँ। वैसे सुशांत तुम्हें किसकी फोटो निकालनी है, अपनी और निधि की शादी की? नहीं सासुमा, हनीमून की। नहीं नहीं मेरी नहीं, मेरे फ्रेंड की, उसे कुछ काम था सो इसीलिए। इनफैक्ट निधि मेरे दोस्त को जानती अच्छे से। आग की चलन, उस आग के सामने कुछ भी नहीं है जिसमें तुम और तुम्हारा पूरा परिवार चलेगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो। समझ रही हो ना तुम, करोगी ना अपने पति परमेश्वर के पैसों की डिमांड पूरी? प्रताप आई जी, एक मिनट। भैया को क्यों परेशान कर रही हैं? मैं तो शॉपिंग के लिए जा ही रही हूँ ना, तो जाते जाते चैरिटी के पैसे ओल्ड एज होम में दे दूंगी। हाँ ठीक है, क्यों प्रताप? हाँ माँ ये ठीक रहेगा, निधि वैसे भी जा रही है शॉपिंग लेने, दे देगी। सुशांत ये जो है फोटोग्राफर का नंबर, ठीक है उससे बात कर लेना और मेरे रेफरेंस से दे। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अखिल बेटा बेटा जरा जरा इसे पढ़ तो सही, देख बता क्या लिखा है। क्या बुआ आपका और भी काम नहीं है, सड़क से कुछ भी उठा लाती है और फिर हमें परेशान करने लगती है। ए फालतू बक बक मत कर, चलो चलो भाग यहां से। आया अरे सीमा बेटा जरा ये पढ़ तो सही, बता क्या लिखा। कुछ नहीं लिखा नानी, अक्षर बने हुए हैं। अक्षर बने हुए? हम फालतू में ही उतावले हुए जा रहे हैं। अरे तुम लोगों ने तो अंग्रेजी बेकार ही पढ़ी है, अरे सारा का सारा वक्त खराब कर दिया। तुम घड़ी घड़ी क्यों खिलखिला रही हो? अरे निखिल से बात करने की मनाही है पर हमसे बात कर सकती हो। अरे रुक जा जरा, बात कर ले दे। नाश्ता कब बनाओगी? अरे नाश्ता कब बनाओगे, हमेशा तुझे नाश्ते की पड़ी रहती है, हमेशा मुझे चिल्लाते हो। हट, अब तुम खड़ी खड़ी खिलखिलाती रहोगी या ये भी याद रखोगी कि रसोई में भी जाना है तुम्हें? याद नहीं है तुम्हें, नाश्ता तुम्हें बनाना है आज। जी जी याद है बुआ जी, मैं अभी बनाती हूँ। नानी आज नाश्ता कौन बना रहे? मामी ना? तू भी भूल जा, अभी तो बताया ना कि बहू बना रही है। नहीं मैं तो बस ऐसे कंफर्म कर रहे थे। हाँ हाँ तू अंग्रेजन और बन जाया। अच्छा बुआ आज मुझे जल्दी निकलना होगा, मेरा फुटबॉल का मैच है तो घर में सभी की शुभकामनाएं चाहिए मुझे। हाँ 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 बेटा सबकी शुभकामनाएं है तेरे साथ, मतलब घर में सभी की, जो जो मुझे अपना समझता है मुझसे प्यार करता है उन सबकी बेस्ट विशेस चाहिए मुझे। हाँ भैया जीत के आना ऑल द बेस्ट। हाँ बिल्कुल जीत के आना, दीनाना तेरी रक्षा करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ, फुटबॉल का मैच है मेरा आज, जाओ। अरे पर आ गया है क्या, कह तो दिया तुझे, अब तू क्यों कान में घुसे जा रहा है? अब यही फुटबॉल खेलेगा क्या? अब क्या चाहता है, मैं कच्चा बनियान पहन के जाऊं क्या फुटबॉल खेलने? जी बुआ जी। हैं? नहीं बुआ जी मैं जा रहा हूं फिर। लेकिन बिना अनमोल से मिले कैसे जा सकता हूं? जा रहा हूं मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। जा मेरे लाल जा। अरे बहू वो पिछली बार नमक ज्यादा पड़ गया था, ध्यान रखना।
जा सीमा, मदद कर जरा। सीमा मामी, मैं कुछ मदद करूं? अरे नहीं नहीं सीमा, मैं कर लूंगी। मुझे खुद अपने आप ही कुशल गृहिणी बनना होगा। ये छोटे मोटे काम भी नहीं कर पाए तो बन चुकी गृहिणी, और कुशल तो भूल ही जाओ। बहुत ही मुश्किल लग रहा है, मुझसे नहीं होगा। मुझे दीजिए। गॉड, मैं उल्टी तरफ जोर लगा रही थी। मैं भी ना सच्ची एकदम बेवकूफ हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं ना धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी, तुम देखना, आई प्रॉमिस। वो क्या है ना, एक्चुअली अब मेरा ध्यान नहीं था, तुम्हें तो पता है ना, पर अब बिल्कुल नहीं। पहले मैं बुआ जी की नजर में कुशल गृहिणी बनूंगी और फिर निखिल की वाइफ। ये बॉल कहाँ से आ गया? कहाँ से आई होगी मामी, ये तो आपको भी मालूम है। मामी पढ़िए पढ़िए, इस पे कुछ लिखा भी हुआ है। हाँ, टुडेज फुटबॉल मैच एंड आई वोंट लीव विदाउट माई वाइफ्स विशेस। विश नहीं करूंगी तो निखिल फुटबॉल मैच कैसे जीत पाएगा, लेकिन लेकिन कैसे करूं? ए दीनानाथ, अरे ये क्या कर डाला? सॉरी सॉरी बुआजी, मैं भी कर देती हूँ। ध्यान क्या है तुम्हारा, कभी कपड़े नहीं तय किए क्या तुमने? नहीं नहीं बुआ जी, मैंने मैंने किए हैं तय, मैं अभी कर देती हूँ। मुझे लगा कपड़े मैले हैं। मैले? अरे अभी तो तुम्हारे सामने तार पे से उतार के ला रही हूँ। जी जी, क्या? देखो बहू, अगर नहीं आता तो बता दो कि नहीं आता, हम बता देंगे, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ। वैसे भी इसके अलावा चारा क्या है? देखो अब बताते तुम्हें कैसे कैसे तय करते हैं। ये लिया और सबसे पहले इसे किया उल्टा सीधा, फिर दूसरी बांह पकड़ी, हाँ, और फिर इसको यहाँ घुमा दिया। क्या करूं मैं, वहां पायल भी होगी। बुआ जी आप नहीं जा रही मैच देखने? मैच? और मैं 22 लोग जो है ना वो एक ही फुटबॉल के पीछे भागते रहते, मुझे कोई शौक नहीं है उन पागलों को देखने का। पर बुआ जी घर से कोई तो जा रहा होगा ना? और भैया कौन कौन आ रहा है मैच देखने? तू आ जा, वैसे भी कोई काम तो है नहीं, खाली तो घूमता रहता तू। अरे आप चिढ़ते क्यों भैया, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा, सच में फ्री होता तो आ जा। वैसे आपके ऑफिस वालों की तरफ से है ना ये मैच? नहीं, वो एक क्लब ज्वाइन किया था, बस उसी के मेंबर्स आ रहे हैं, ऑफिस का कोई नहीं। से देख रही हूँ लगातार फोन में लगे हुए, आखिर किससे गप्पे मार रहे इतनी? वो
बुआ जी मैं ये कपड़े रखाती हूँ। हाँ। हे कृष्ण कन्हैया, आप तो जानते हैं ना कि सारे भगवान जी में मैं सबसे ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आप तो सबसे अच्छे हैं, सबका कितना ख्याल रखते हैं आप। प्लीज प्लीज मेरा भी ख्याल रखिएगा। और मेरे कन्हैया, मेरा मतलब है मेरे निखिल को ना, प्लीज आप भगवान राम जैसा बनाइएगा। जैसे उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही वाइफ थी ना, वैसे ही आप प्लीज निखिल की लाइफ में भी ना बस एक ही वाइफ रखिएगा, सिर्फ मैं। थैंक यू भगवान। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। क्या हुआ? मुझे पता चला है कि अनमोल और निखिल ना एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। यही मौका है निखिल से नजदीकियां बढ़ाने का, लेकिन संभाल के, ठीक है? जी सर। और पायल, निखिल का ना आज फुटबॉल मैच है और शायद अनमोल वहां नहीं होगी। सोचो कि किया क्या जा सकता है, और जो भी करना है जल्दी करना है। हा? अरे नहीं, ये तो बिल्कुल काली है। अरे भाई, बिटिया की शादी में देनी है तो दूसरा रंग दिखा। और भी है, काफी है, देखिए। काली काली, ये देख, कश्मीरी धागे से काम किया हुआ है, ये देख। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही हल्की है, कोई दूसरी दिखाओ। ये देखिए, ये फूल पत्ते वाली है। ये कैसी रहेगी बहू जी? ये तुमसे तो कुछ भी पूछना बेकार है। ये दिखाई, ये भी बढ़िया है, ये पकड़ो, ये रंग अच्छा है। जरा बिटिया को दिखा के आती हूँ। हाँ दिखाइए। भैया एक टोपी देना। कौन सी वाली? कोई भी दे दीजिए ना। ये लीजिए पैसे। थैंक यू। भैया प्लीज पेन देंगे? हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.